आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में हुआ धमाका। धमाके में 2 की मौत, 5 लोग घायल। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं थी ज्यादा भीड़। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में धमाका। धमाके में 2 की मौत, 5 घायल। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं थी भीड़। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में धमाका। धमाके में 2 की मौत, 5 लोग घायल। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं थी भीड़। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में धमाका। धमाके में 2 की मौत, 5 लोग घायल। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं थी भीड़। बुलंदशहर में दवाई कंपनी में लगी भीषण आग, तस्वीरें देख सकते हैं कितनी तेज आग लगी है, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। हादसे के वक्त बंद थी दवाई कंपनी। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के कोरोमंडल फैक्ट्री का मामला। बुलंदशहर में दवाई कंपनी में लगी भीषण आग, बड़ी खबर सामने आ रही है, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। हादसे के वक्त नहीं था कोई वहां मौजूद। फतेहपुर में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, पुलिस अधीक्षक ने किए कई तबादले। 32 आरक्षियों का किया गया तबादला, 6 निरीक्षक और उप निरीक्षकों का हुआ तबादला। फतेहपुर में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस अधीक्षक ने किए कई तबादले। 32 आरक्षियों का किया गया तबादला, 6 निरीक्षक और उप निरीक्षकों का हुआ तबादला। फतेहपुर में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, बड़ी खबर सामने आ रही है, फतेहपुर से पुलिस अधीक्षक ने किए कई तबादले। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, अगले हफ्ते होगी चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक। लखनऊ में 28 और 29 दिसंबर को होगी बैठक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र बैठक में होंगे शामिल। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, अगले हफ्ते होगी चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक। लखनऊ में 28 और 29 दिसंबर को होगी बैठक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा भी बैठक में मौजूद। यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अगले हफ्ते होगी चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक। अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, होम आइसोलेशन में भेजे गए अखिलेश यादव। 2 दिन बाद फिर कोविड टेस्ट कराएंगे सपा सुप्रीमो। बेटियों पत्नी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अभी सफाई में है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, होम आइसोलेशन में भेजे गए अखिलेश यादव। 2 दिन बाद फिर कोविड टेस्ट कराएंगे सपा सुप्रीमो। बेटी और पत्नी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।